आई थिंक वी आर रिकॉर्डिंग नाव हेलो एवरी वन अर्न ऑफ सिंग कंसिस्टेंसी किंग इज बैक एंड आई नो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगा बट नहीं बना पाता हूँ आई एम रियली सॉरी मैं भी बिज़ी हूँ आपकी तरह एंड आई होप आपकी कैट की प्रपरेशन अच्छी चल रही होगी और जो लोग भी मुझे डी एम करते हैं मैं हमेशा उनके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करता हूँ एंड जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं अपने दोस्तों से पूछ के आपको बता ही देता हूँ तो ठीक है ये वीडियो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है आप पहले कैट दो कैट दे दो ठीक है कैट के बाद ये वीडियो देख लेना बट अब अगर देख ही रहे हो तो छोटा सा वीडियो है देख लो कि कौन से कॉलेज़ में अप्लाई करना चाहिए और कौन से कॉलेजेस वर्थ इट हैं ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करूँगा मेरे पास भी अफकोर्स टाइम नहीं है तो मैं जो बोलूँगा रॉ बोलूँगा आपके सामने बोलूँगा तो एक थमरूल जो हम लेके चलेंगे वो है एन आई आर एफ रैंकिंग मुझे पता है एन आई आर एफ़ रैंकिंग इज़ नॉट द बेस्ट बट यार कोई भी रैंकिंग अगर इंडिया में रिलायबल है थोड़ी बहुत तो एन आई आर एफ़ रैंकिंग है मुझे वो प्राइवेट रैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें बिलीव नहीं है आपको है तो आप देख सकते हो ठीक है तो देखो आपको कैसे चूज़ करना है इंदौर वालों के लिए चॉइसेस अलग होंगी रोहतक रांची वालों के लिए चॉइसेस अलग होंगी एंड बेबी एम्स के लिए तो सारी ही चॉइसेस चॉइसेस हैं सबसे पहले इंदौर में अगर एम इंदौर आई में आप पढ़ते हो तो आपके लिए कौन से कॉलेज सेंस बनाते हैं स्विच मारने का इस साल की जो मैंने कंडीशन देखी है प्लेसमेंट्स की तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ए बी सी तो ऑफकोर्स कोई कोड यस आई आई टी डेली आई एल से यस आई एल से यस आई एम लखनऊ तो ऑब्वियसली आई एम मुंबई ऑफकोर्स तो एक्सएल आर आई येस डेफिनेटली आई आई टी बॉम्बे तो एलिजिबल ही नहीं हो गया आप एंड एम डी आई नॉट श्योर आपकी मर्जी है प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो प्लेसमेंट्स आर अमेजिंग बेटर दैन आई एम इन दर क्लियरली ठीक है आई आई टी टैग चाहिए तो आई आई टी डेली से नीचे मत जाना यार ठीक है मत जाना सिम एस आई बी एम डोंट ईवन थिंक अबाउट इट एस पी जैन ऑफकोर्स नारसीमोन जी स्केप आई आई एम त्रिची न्यू एम्स कंप्लीटली स्किप मार दो आप भाई आई एम इंदौर से आप न्यू एम मत जाना प्लीज मत जाना इट्स कॉमन सेंस ठीक है आई एम शिलोंग भी आई आई एम नॉट श्योर अबाउट इट आई एफ टी यस मे बी यू कैन गो बट उनके भी प्लेसमेंट्स की इस साल हालत उतनी अच्छी नहीं है देखो मेरे को वीडियोज़ जो हैं आई पी एम एडमिन देखते हैं आई एम इंदौर का एडमिन देखता होगा रोहताक जम्मू बोधगया रांची सबका देखता हो सबके देखते होंगे बट ठीक है मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ सर मेरा वीडियो टेक डाउन मत करना आपकी जो प्रॉब्लम हो ना आप मुझे ई कर देना कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करूँगा मैं पर्सनल ओपिनियन दूंगा तो मैं बता दूंगा कि मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ ठीक है एंड ठीक uh, है आई एम इंदौर का आपका सॉर्टेड है भाई जितने टॉप टॉप सिक्स सेवन कॉलेजेस हैं एक्सल आई एस पी जे एन आई एम मुंबई अपार्ट फ्राम ए बी सी एल के आप जा सकते हो जाओ भाई अच्छा कैट स्कोर करो पहली बात तो आई पी एम में मेहनत करोगे तो हो जाएगा प्लेसमेंट इस साल कंडीशन ख़राब थी कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर से बेटर हो जाएगी आई एम श्योर अबाउट इट ठीक है बट ऑफ कोर्स अगर आपकी प्रोफाइल पे दो एम्स हैं या दो अच्छे कॉलेजेस हैं एक्सएल आर आई वगैरह है तो चार चार लग जाता है भाई क्यों चाहिए आपको पाँच साल के लिए एक कॉलेज अपनी प्रोफाइल पे क्यों चाहिए क्यों चाहिए हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर आप न्यू एम्स में पढ़ते हो ठीक है न्यू एम्स में रोहतक रांची ठीक है रोहतक और रांची वालों के लिए मैं एक ही बार में बोल देता हूँ आपको जो कॉलेज मिले अपार्ट फ्रॉम बेबी आई एम्स बेबी आएम्स से ऊपर वाले जितने भी कॉलेजेस हैं आपको जो भी मिल जाए आप चले जाओ अगर आपको आई आई टी भी मिलना है चले जाओ भाई बैठ साइज़ छोटा है चले जाओ आई टैग भी मिल जाएगा आई एम प्लस आई हो जाओगे आप आई एम मुंबई वेल एंड गुड भाई ऑफकोर्स जाओ आई एम ए बी सी एल के आए ज़रूर जाओ भाई रोहतक एंड रांची के इस बार के प्लेसमेंट के स्टार्ट अच्छे नहीं है हालांकि मैं प्लेसमेंट्स अभी कवर करूंगा आगे वीडियो में देख लेता हूँ पहले कितना लंबा हो गया चार मिनट हो गए ठीक है आ, तो एक्स एल आर आई एस पी जैन ये सब तो ऑब्वियस चॉइसेस हैं एम डी आई एस आई बी एम आप खुद से पूछना आप क्या आई आई एम टैग के बाद एस आई पी एम यू नो जाना चाहोगे आप एन एम आई एन एम आई एम एस जाना चाहोगे पूछना अपने आप से अगर हाँ प्लेसमेंट्स उनके भी अच्छे हैं बट अगेन इस साल तो आपकी चॉइस है लास्टली आते हैं बेबी एम्स वाले आई प्रोग्राम में और जो बाकी के आई प्रोग्राम्स हैं मनी पाल, टापी आप उस पर भी बात करेंगे बेबी एम्स वाले जो कॉलेज मिले चले जाओ ठीक है जो भी बेटर कॉलेज मिले चले जाओ अगर दूसरे बेबी एम में स्विच करने का मौका मिल रहा है न्यू एम्स वाले एम रोहतक रांची वाले उदयपुर इज़ अ मच बेटर चॉइस त्रिची इज़ अ मच बेटर चॉइस आपको न्यू एम से न्यू एम भी मिल रहा है आपको काशीपुर भी मिल रहा है तो आप सोच सकते हो क्यों क्योंकि आई को अभी भी कंपनीज एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं आई एम नॉट श्योर वाई जबकि आई की बैच क्वालिटी बेटर है अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन मेरा ओपिनियन है आई एम सॉरी बट टी पी से बेटर है आई की क्राउड ये तो माननी पड़ेगा तीन साल एक्स्ट्रा आप ऑलरेडी करके आ रहे हो यार तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो आपका बेस बेटर होगा ना ठीक है आगे बढ़ते हैं बेबी आई वाले भाई जो मिल जाए जो बेबी आई मिल जाए जो बेटर एस मिल जाए एन मिल जाए जो मिल जाए आप जाओ एक्स भी मिल जाए तो एक बार तुम कंसिडर कर सकते हो क्यों क्योंकि प्लेसमेंट बेटर है एम नहीं जाना है ऑब्वियसली ठीक है आई वेरी 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 गुड इंस्टीट्यूशन जा सकते हो बाकी के जो बच्चे हुए आई प्रोग्राम्स हैं आपके नैल नैल सर वाले टापमी ऑल दोज कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड जो मिले चले जाओ भाई जो अच्छा कॉलेज मिले चले जाओ ठीक है अच्छा कॉलेज क्या है टॉप ट्वेंटी थर्टी में जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं आपको पता है एलपीओ अच्छा नहीं है स्किप ग्रेट लेक्स ठीक है स्किप अम ये पता नहीं कौन सा कॉलेज है कोयम्बटूर का आई एम सॉरी आई एम एट यूनिवर्सिटी नॉट डज मेक एनिक सेंस आई एम शिलोंग जाओगे नहीं जाओगे ऑफकोर्स जाओगे आई एफ टी जाओगे कि नहीं जाओगे ऑफकोर्स जाओगे है ना जाम मिल्ह इस्लामिया बिल्कुल नहीं जाओगे आय रांची जाओगे कि नहीं जाओगे ऑफकोर्स जाओगे यार आई आई टी कानपुर में भी आपका क्राइटेरिया ही नहीं होगा ठीक है आयम त्रिची ऑफकोर्स जाना ही है आपको भाई आप टापमी से आयम तिरची जा रहे हो टापमी आई पी एम से आयम त्रिची जा रहे हो क्यों नहीं जाओगे भाई क्यों नहीं जाओगे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं आपको कॉमन सेंस है ओके सात uh, मिनट का हो चुका है वीडियो अब देखते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं आई एम उदयपुर खोल रखा है मैंने क्यों आपको न्यू आई एम से स्विच करना चाहिए आई एम उदयपुर में आई एम इंदौर वाले प्लीज़ मत ही जाओ वही अच्छा है। ठीक है अगर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है आप बैच साइज़ देख के डर रहे हो मार्केट कंडीशन देख के डर रहे हो तब भी आई वुड से स्टिक टू इंदौर ठीक है बीस मीडियन सॉरी बीस का मीन है एटीन पॉइंट फाइव का मीडियन है अमेजिंग अमेजिंग कॉलेज सारे न्यू एम्स में बेस्ट कर रहे हैं तो न्यू एम्स एंड इसमें स्विच मारना बेबी एम्स न्यू एम्स एंड लोअर से इसमें स्विच मारना मेक्स सेंस ठीक है आगे बढ़ते हैं दिस इज आई एम रोहतक आई एम रोहतक ठीक है क्या चल रहा है एटीन पॉइंट सेवन थ्री सेवनटीन पॉइंट फाइव अगर आप आई एम रांची में हो आपके पास बेस्ट ऑप्शन आई एम रोहतक है स्विच दो हज़ार रुपये का फॉर्म आता है ज़रूर भरना ठीक है अगर आप बेबी एम्स में हो आई आई टी डेली मैंने डाल रखा है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का है एम बी ए का है आई आई टी डेली बी टेक नहीं है पैकेज आप देख सकते हो लगभग छब्बीस लाख मीन है चौबीस पॉइंट चार पांच मीडियन है course, ये अलग लीग का कॉलेज है एन आई आर एफ फोर फाइव रहता है मेरा कॉलेज है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ इट मेक्स इट इट मेक्स अ लॉर्ड ऑफ सेंस इसमें जाने का एंड आई एम इंदौर से इस बार थोड़ा सा यू you know, नो मैं मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा आपकी चॉइस अगेन आई एम इंदौर एंड ऑल दोज कॉलेज आर गुड आई एम रोहतक से मेरे से आज एक जूनियर ने पूछा अफकोर्स यार क्यों नहीं जाना चाहोगे तुम आई आई टी डेली क्यों नहीं आना चाहोगे चिल एम बी ए आका आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आई आई टी टैग मिल रहा है क्या क्या ओके एम डी आई वेरी इंटरेस्टिंग कॉलेज आप मीडियम देखो पच्चीस छब्बीस एवरेज छब्बीस एवरेज एम डी आई मेक सेंस इफ यू आर इन एनी कॉलेज बिलो आई एम इंदौर आई एम इंदौर में भी हो आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको प्लेसमेंट बेटर चाहिए ठीक है आगे क्या मार्केट कंडीशन होगी मुझे नहीं पता बट अगर आप एम डी आई में पढ़ने जाओगे तो आपका प्लेसमेंट तो अच्छा होगा ही मेरे दोस्त का आप हमारे मंगेश जी का भी हुआ है अच्छा बहुत लोग वंडर कर रहे होंगे भाई कि मंगेश जी दिख नहीं रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करो भाई मंगेश भैया कम बैक अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो लास्टली आई एम अहमदाबाद प्लेसमेंट रिपोर्ट मीन देख रहे हो मीडियम देख रहे हो तो आपका एम क्या होना चाहिए आपके सामने है एम ये जो है आपकी ऑडिटेड रिपोर्ट है अब ये अब इन्फ्लेटेड है नहीं है ये तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूँ ठीक <laughs> है तो बत्तीस लाख बत्तीस लाख अस्सी हज़ार मीन बिग ड्रीम्स बिग ड्रीम्स देखिए भाई ठीक है विद दिस नोट आई एल कम टू एन एंड दस मिनट का वीडियो है दस मिनट में मैंने सब समझा दिया आपको कौन से कॉलेज जाना है कौन से कॉलेज नहीं जाना है फॉर्म सबका भरना चाहिए माय ओपिनियन इन माय ओपिनियन बट ऑफ कोर्स अगर आप आई एम इंदौर में हो तो आप एन एम आई का मत भरो ठीक है एंड मट मत भरो तो आपको पता है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ अब मत पूछना कि कौन से कॉलेज जाना है कौन से कॉलेज नहीं जाना प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन एन इज़ नॉट दैट एक्यूरेट बट इट्स दी बेस्ट पैरामीटर प्लेसमेंट्स आर द बेस्टेस्ट पैरामीटर बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट वाले इन्फ्लेट करते हैं गवर्नमेंट वाले भी इन्फ्लेट करते हैं बट प्राइवेट वाले तो, तो आपको पता है क्या करना है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई ट्रस्ट एवरी सिंगल डिजर्विंग कैंडिडेट अमंगस्ट यू इंग्लिश आर आई पी अच्छे कॉलेज में जाएगा ठीक है जो भी जिस कॉलेज के लिए बना है जिसकी डेस्टिनी होगी ना वो उसी कॉलेज में जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आई आई टी डेली आऊँगा बट मेरा हुआ सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बाय